Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to our channel. मैं हूँ हादिया खान और मैं हूँ सिराज अली। आप बोलेंगे हर बार ही छुप कर आते हैं, इस बार ये छुप कर नहीं है। मैंने इनको समझाया कि यार नहीं क्या करो, फैमिली आपको देखती है कितना शर्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हम आशीष की वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। इस वीडियो का नाम है ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग। आशीष चंचलानी, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आगे देखने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करो। तो स्टार्ट करें। ये सब वीडियो जो कुछ भी दिखाया गया है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसलिए आपके टीचरों की रिस्पेक्ट। ओके, थैंक यू। इन बच्चों ने इतना परेशान किया, अपनी चाय में जहर मिला दूंगा और फिर इन बच्चों को पिला दूंगा, साले मर जाएंगे, मैं जेल चले जाऊंगा, इन सबसे छुटकारा मिलेगा। अरे बस कर, हाथ में आ जाएगा। अभी तक तो सिर्फ 3 इंच घुसाया, बाकी का 1 सेंटीमीटर चलेगा सर, घुस गया। अबे ओ राधे के आधे, मैं और सहन नहीं करने वाला हूँ, समझा? पेंसिल तो मैंने शार्पनर में घुसाई थी, दर्द आपको क्यों हो रहा है? अबे आज मेरे टीचर मीटिंग है। चलो ठीक है, बुलाओ अपने पेरेंट्स को। सेना हाँ स्टूडेंट मैं हूँ कि तू? देखो सर, ये डाउट आप अभी क्लियर कर दो, आपके मम्मी पापा के सामने ना करके इंट्रोड्यूस करने में इजी होगा, कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है। तेरा बाप किधर, लेट क्यों हो गया है? वो पापा जूते पहन रहे हैं। जूते पहन लो ऑनलाइन मीटिंग के लिए। हाँ लेट हो गए इसलिए रनिंग शूज पहन के भाग के आ रहे। ओह यार ये मीटिंग कब खत्म होगी, मैं पागल हो जाऊंगा इसके साथ। ठीक है तो मैं जाता हूँ। ए हां चुप बैठ जा। हां तो बैठ ही रहा हूं ना, चिल्ला क्यों रहे हो? ओह नो सर, सर मैं इसको चिल्ला रहा आपको नहीं, ये अपनी मर्जी वाला। आप अब देखिए सर, आपको मर्जी वाला सर, दो लोग की सीट लगे ला बैठेगा। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू थैंक यू। आपकी महान औलाद की करतूतों की वजह से भारत के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन, शायद आखिरी भी हो, इतना महान है आपका बच्चा। शाबाश शाबाश। अरे शाबाशी क्या दे रहे आप, पीठ में नहीं गाल में शाबाशी दो। शाबाश कितना बोला है यार, तुम्हें पता नहीं संत ने राक्षस को कहां से पैदा कर दिया। सर मैं आपको क्या बताऊं, आपका बेटा क्या करता है, ये और इसका फ्रेंड रोहित प्रेजेंटर, हां और इसका दूसरा दोस्त अनमोल प्रेजेंटर, हां नाम कैसे लिखा हुआ? ये भी कोई नाम? अरे सर आपने दिन चश्मा नहीं पहना था, लगता है आपने ठीक से पढ़ा नहीं, वो लौड़ा लसन नहीं कड़वा जशन था सर। कड़वा जशन, ये कैसा नाम है? आप पढ़वा तो रख नहीं सकते। चुप पतली। सर पतली सी नाम, इसलिए तो कड़वा नाम रखा। देख रहे हो ये कैसे बात करता है? सर की जबान ना बात कर रही है। चुप, मुझे गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटा मुंह में कोई देते गाली है सर। सॉरी पापा। मन में से पापा। और तो सुनिए, और उस दिन जब अटेंडेंस हो गया उसके बाद तो उनकी अलग ही नौटंकी चल रही थी। हम लोग सबके सर एक ही असाइनमेंट भेजते, जब भी डाउनलोड करने रखो रिप्लेस का ऑप्शन रखो, कम से कम असाइनमेंट रीनेम तो कर लो नालायको, इतनी तो मेहनत कर लो जिंदगी में। और उस दिन मैंने जो तुम लोग को एक टॉपिक दिया था, अब ये थानोस कौन है? थानोस चले गए भाई। पूरा टाइम क्लास में चुटकी बजाते रहता है। अरे ये तो थानोस का भी बाप है, वो चुटकी बजाता था तो आधे लोग गायब होते थे, ये चुटकी बजाता है तो सब मास बंद करके निकल जाते हैं। क्यों बजाता है इतनी चुटकी? क्यों बजाता है इतनी चुटकी? छोटा भी मैं तू। और सुनो इसके कारनामे बता दो, आपका जो महान साइंटिस्ट बेटा जब भी लेक्चर में आता है कभी इसका वीडियो चालू होता है तो ऑडियो चालू नहीं होता, ऑडियो चालू होता है तो वीडियो चालू नहीं होता, जब दोनों चालू रहते हैं तो उसके सर से खून निकलता है। सर से खून? हाँ, और मैं से पूछता हूँ खून क्यों निकल रहा है तो बोलते हैं सर सामने वाले ने पत्थर फेंक के मारा। मैं पूछता हूँ पत्थर क्यों फेंक के मारा? बोलते हैं लैपटॉप चोरी करके लाया था। क्यों रे लैपटॉप क्यों चोरी करके लाता है तू? सर पढ़ेगा इंडिया तब
तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तेरा पढ़ के और पढ़ के फायदा भी क्या? हाँ सर, आपके बेटा लेक्चर में काम वाली भाई को मास्क लगा के बैठा था, खुद भी जो है सर पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म के लिए सिर्फ मास्क की जरूरत है। वाह मेरे चौथे इडियट, अबे ओ सेंटीमीटर किसकी वजह से वो काम वाली भाई मेरे घर पे लेता थे और से पूछता हूँ कि लेट क्यों है तो बोलती है पढ़ेगा इंडिया, तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तू नहीं पढ़ेगा तो भी पढ़ेगा इंडिया। आपको इसका एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं। नहीं सर, नहीं सर, वो बात मत बताओ सर। द फिफ्थ क्लास ऑफ वाटर डस नॉट सेटिस्फाई योर थर्स्ट एज मच एज द फर्स्ट क्लास। सर सर कैन आई ड्रिंक वाटर? अरे पीना भाई, तेरे को जितना पानी पीना है पी, हम लोग क्लास में थोड़ी है। थैंक यू सर। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ तो होगा यार आशीष। अरे शांत हो जा सब, ये क्या बकवास चल रहा है मेरे क्लास में। अरे ओ आशीष बंद करना। सर 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 सॉरी सर, सॉरी सर, पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये जो सारे फंड को और आपको बेस्ट बात बताता हूँ, डाउनलोड करो कूपन कोड लगाओ आशीष हंड्रेड, आपको 100 रुपए का बिटकॉइन फ्री देंगे। हाँ बेटा मैंने भी सुना है, बिटकॉइन का दाम और तेरी कॉलेज में इज्जत दोनों काफी गिरी हुई आएगा सर, ऊपर आएगा। जैसे आपकी और मीनाली मैम की चैट ऊपर आई थी ना, वैसे सर मैं आपको क्या बताऊँ उसकी बातें। एक तो लेक्चर में आते नहीं है, ऊपर से आते तो इंटरनेट बंद का बहाना देते। उस दिन तो उन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी, मेरे बेटे को घूस देके मेरे घर की इंटरनेट की वायर कटवा दी हरामियों ने। तो सर इसमें गलती आपके बच्चे की हुई ना, काबू में रखो उसको। मैं तो उसको 500 रुपए देने को तैयार था, 500 रुपए ये एसपी में मान जाता लड़का। सर तो आप खिलाओ पिलाओ अपने बच्चे को, पैसा वैसा दिखाओ ना, बहुत भूखा बच्चा है आपका। कल को उसको फैमिली पैक देंगे क्या, तो पूरी फैमिली को पैक कर देगा आपका लड़का। 500 रुपए की एसपी में दिख गया उसका लड़का, कैसे भूखे बच्चे पैदा किए।6 सेकंड 6 घंटों में बदल जाते हैं। ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है। ये लेने के बाद अपन ड्रिल करेंगे, फिर चिल करेंगे। अरे इसके बाद मिथुन दा ग्रैंड सल्यूट देते हैं। अरे पापा ये लेने के बाद ऐसे उल्टे लेट जाओगे ना तो ऐसा पंखे की तरह घूमना। अरे अरे ओ बस कर और कितने एग्जांपल लेगा, हो गया समझ गए भाई। पहली बार देखा है बेटा बाप को गुप्त ज्ञान दे रहा है। अरे ज्ञान आपको देना चाहिए अपने लड़के को, इसे सिखाओ कि दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं करते। उस दिन मैंने अपनी व्हाट्सएप पे डीपी रखी थी अपनी नई कार के साथ, साला मेरे घर के बाहर लाइन लग गई कार देखने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना। अरे क्या अच्छी बात है, इन हरामियों ने मेरी 6 लाख की कार 30,000 में बेचने को रख दी ओएलएक्स पे, वो फोटो यूज करके। मैंने गाड़ी नहीं बेची तो वो लोग कितना भड़क गए मालूम है। एक आदमी तो गुस्से में मेरी कार का दरवाजा लेके भाग गया, एक आदमी स्टीयरिंग लेके आज तक मैं गोला बना रहे, एक आदमी इंजन लेके भाग गया गन्ने का जूस निकाल रहे। अरे एक आदमी को तो मैंने उस दिन वाइपर से अपनी पीठ खुदाते देखी। ऐसे हरामी लोग रहते हमारे मोहल्ले में, क्या बताऊं मैं आपको। 5 लोग तो गुस्से में मेरे 5 के 5 टायर लेके चले गए। अभी ये कौन सा विमान है जिसमें 5 टायर है? अरे स्टेफनी भी तो लेके गए, जैक तो पड़ा होगा ना, देना। अरे कैसे हो आप? मैं मस्त हूं, आप बताओ। आपके पेरेंट्स मुझे लगता है आपके साथ अलग एक पेरेंट टीचर मीटिंग करनी चाहिए मुझे। सॉरी सर गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं डालना चाहिए ऑनलाइन किसी का। मेरे को बोलता मैं खरीदता ना, हां इसके बेटे को 500 खर्चे भी देता, गाड़ियां के रोज साफ करता, नहीं कि नहीं लाइफ टाइम। अच्छी डील है वैसे। अरे आप उससे बात करने बैठे हो कि मेरे साथ बात करने बैठे हो? आपको एक नेम के साथ तो मैं पता नहीं भूल गया ऑनलाइन एग्जाम का। एग्जाम शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ, जिस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तुम लोग एग्जाम दे रहे हो उसमें अगर तुम लोग क्रोम में टैब खोलोगे, व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर करोगे या किसी भी तरह की कॉपिंग करोगे, मुझे सब पता चल जाए। तो अपनी कलाकारी यहाँ मत, और ये ऑनलाइन एग्जाम
तो नालायक हो, कम से कम मेरी नहीं तो अपनी इज्जत तो करो। तू है अगर तुम लोग इसमें भी कॉपी कर लो प्लीज। चलो दो एग्जाम। अबे भाई ये कौन सा एग्जाम है? एक ही साल सा रहे तुम लोग, सब एक ही जगह पे एग्जाम दे रहे हो, कैसे आराम ही बच्चे हो? पापा अभी साथ में पढ़ेगा इंडिया, तभी तो साथ में बढ़ेगा ना इंडिया। वो वैक्सीन वाली बात बताओ, भूलू तेरे चेते? नहीं सर वो नहीं, प्लीज सर। दो हफ्ते पहले मैं वैक्सीन लगवाने गया, तो वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने अपनी एक फोटो फेसबुक पे डाली। इन कुत्ती के बच्चों ने वो फोटो को लिया, मेरा फेस फोटोशॉप किया और हॉस्पिटल में एक आदमी के मुंह पे लगा दिया। और फिर फेसबुक पे मेरे नाम का फंडरेजर चला है, 1 लाख रुपए जमा किए हरामियों ने मेरे नाम पे, 1 लाख। छी, डिसगस्टिंग पांक। और पता नहीं किस मनहूस बच्चे ने मेरा नंबर लीक कर दिया और ये बात फैला दी कि सर ऑनलाइन लेक्चर में सुपर चैट लेते। सुपर चैट? उस दिन मैं लेक्चर में पढ़ा रहा था, बीच लेक्चर में एक बच्चा 200 रुपए जीपे करके बोलते सर प्लीज टेक माय नेम। एक बच्चा 500 रुपए देके बोलते सर प्लीज से मिनाली में आई लव यू। एक बच्चे ने तो हद पार कर दी, 2000 रुपए बेच के बोलते सर प्लीज कैंसिल द लेक्चर। मतलब मेरा लेक्चर कैंसिल करने का रेट 2000 रुपए। तो सर आप बताओ ना आपका रेट क्या है, जो रेट बोलोगे उसमें मान जाएंगे हम लोग। साला कोरोना की भी वैक्सीन आ गई, इलाज आ गया, तुम हरामियों का इलाज पता नहीं कब आएगा। हाँ तो क्या गलत कर रहे ये लोग, फंड फंड रेज करके फीस के नाम पे तो लूट के बैठे होंगे तुम लोग। कहाँ लूट रहे सर, अभी आप ये बातें क्यों ला रहे हो बीच में यार। अच्छा बेटा तेरा फीस का रिसिप्ट निकालो, सालो जिम खाने का 2000, आराम करो ना, जिम पे भेजते हो ना खाना खिलाते हो, मैगजीन का 2000। तो एक खेलते हुए लड़के की नजर तुमने भी दी इसको? कौन से खेलते लड़के की मैगजीन भाई, प्ले बॉय। अच्छा बेटा मतलब तुमने मैगजीन का बिल भी हमारे नाम पे फाड़ा है। ए, मैगजीन में नंगे लड़के लड़कियां क्यों होती है भाई? हमारा सब्जेक्ट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इसमें क्या ऐसे कपड़े काटने रहते और जो भी ये नंगे पिक्चर्स है ना उस पे क्राफ्ट पैसे चिपकाने रहते, आर्ट्स एंड क्राफ्ट चिपकाना सही चिपकाया अपने पाप। और सुन ठीक है, बस फीस साले हॉल से संडा जाने का कौन सा बस लगता है बे? सर वो बस फीस इसलिए लेते हैं क्योंकि बस के ड्राइवर्स को फीस देते हैं हम, लॉकडाउन में वेजेस नहीं काट रहे हैं। सुजा अच्छी डांग साले, बस का फीस बढ़ता है और जिसके ऑटो में स्कूल ट्यूशन कॉलेज गए हैं उसको पैसे नहीं देता है, पागल समझा मेरे को? ये तेरा बाप नहीं है? कौन बाप? बाप में तो ढूंढने आया हूँ मैं, 4 दिन से घुमा रहा है मुझे। ये मेरे को बोलता है इधर आके बैठो, अंकल के सामने 15 मिनट हाँ हाँ करना, डबल पैसा दूंगा। कैसे कैसे बच्चे इस देश में, साला ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग में भी नकली बाप लाए। सर मेरे वो बाप को दौरे पड़ते रहते, पिछले जन्म में ऑटो वाला था तो घूमता रहता सर। वाह बेटा वाह, अभी मैं तेरे को मौज करता हूं, प्रिंसिपल सर को कॉल लगाता हूं। वाह बच्चे मौज कर दी, देखो दिखाता हूं मैं कितना हेवी ड्राइवर हूं। आसन में टकले सर, ये आशीष चंदला ने आपको टकला कह रहा है सर? हरामी बच्चे बोलते सर, ऊपर भी लिखते नीचे भी लिखते। I'm sorry sir, please sir, सर ये पेरेंट टीचर मीटिंग में नकली बाप लेके आए। अरे नहीं सर, इसके 2 बाप नहीं, 1 ही बाप है सर, पेरेंट टीचर मीटिंग में पागल बना रहे हमको। सर सर क्या कर रहे हो सर? औसम यार, मतलब आज कल ऑनलाइन दुनिया तो आप लोग को तो पता है लॉकडाउन हो गया था, फिर कोविड की वजह से ना तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बट मैंने तो ऐसा नहीं किया। शिराज भाई आपने किया ऐसा? नहीं, हमें तो ये क्लू मिल गया कि हम भी नकली बाप ला सकते हैं। हाँ ये भी सही है। बचने के लिए भाई टीचर को, हाँ वैसे आइडिया अच्छा है टीचरों को गोली देने के लिए। लेकिन बट अब ऑनलाइन नहीं हो रहे, अब हमारे ऐसे ही हो रहे हैं एग्जाम्स।
कैंसर हो गए कोविड की वजह से, बट आगे होंगे इससे भी जान छूटी है कोविड से और ये ऑनलाइन क्लासेस से। हाँ वरना बहुत मुश्किल, मतलब हम तो सर वाईफाई थोड़ा इशू कर रहे हैं सर। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।